नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। बिहार की राजधानी पटना से बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार का दिन यानी आज पटना पुलिस बल और बिहार पुलिस खातिर बेहद अमंगलकारी साबित हुआ है। जी हां, पटना जिला पुलिस बल में तैनात एक दरोगा की मौत हो गई है। जी हां, ट्रेन के चपेट में आने से पुलिस पदाधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही साथ ही खाकी वाले सारे दुखी हो गए हैं। ये हादसा बक्सर दानापुर रेलखंड के टूडीगंज स्टेशन की है। यहां तेज रफ्तार ट्रेन के चपेट में आने से दरोगा अरविंद कुमार सिंह की मौत हो गई है। वहीं मकतूल दरोगा अरविंद कुमार सिंह पटना में तैनात थे। वही घटना के बाद रेल पुलिस ने मृतक दरोगा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाबत में बताया जा रहा है कि कृष्णा ब्रह्म थाना के रेहिया गांव के रहने वाले दरोगा अरविंद कुमार सिंह 10 दिनों से छुट्टी पर अपने गांव गए थे। वहीं दरोगा की मौत के बाद साथी पुलिसकर्मी काफी दुखी हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही मृतक दरोगा के घर में कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मकतूल 56 वर्षीय पुलिसकर्मी कोर्ट ड्यूटी में तैनात थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।